हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल अनमोल डाउट क्लासेस में। और आज आपसे बात करेंगे मिस्टर आईपीएल के बारे में, यानी सुरेश रैना के बारे में। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को आईपीएल 2022 की मेगा ऑप्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। जब उनका नाम ऑप्शन टेबल पे आया तो एक भी टीम ने बोली नहीं लगाई। ऐसे में अब उनकी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की चिन्नाथाला की याद आ गई है और सुरेश रैना को उन्हें खास संदेश दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से एक सुरेश रैना, जिन्हें मिस्टर आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। मेगा ऑप्शन 12 और 13 फरवरी को चला, लेकिन रैना पर किसी ने दाव नहीं लगाया। उम्मीद थी कि पहले ना बिकने के बाद रैना को अंत में कोई ना कोई खरीद लेगा या फिर चेन्नई अपनी चिन्नाथाला को वापस बुला लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रैना को अनसोल्ड रहना पड़ा। हैरानी वाली बात यह थी कि चेन्नई ने अपने कई पुराने खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा, लेकिन रैना पर बोली नहीं लगाई। नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने रैना के लिए एक संदेश जारी किया है। ऐसा लग रहा है कि चेन्नई को चिन्नाथाला की याद आ गई। एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा है कि बहुत शुक्रिया सभी यादों के लिए चिन्नाथाला। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए मेगा ऑप्शन में रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ था। पहले उसकी कोई भी टीम नहीं खरीदा, जबकि इसके बाद दूसरे दिन आखिरी सेट में उनको फिर से शामिल किया गया। इस बार भी रैना किसी फ्रेंचाइजी टीम ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। साल 2008 के बाद ये महज दूसरा मौका होगा जब आईपीएल में नहीं खेलेंगे। साल 2020 में कोरोना की वजह से उन्हें अपना नाम वापस लिया था। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा गुजरात लायंस से खेल चुके हैं। रैना का ना बिकना सच में हैरान कर देने वाला है। रैना का चेन्नई के साथ रिश्ता पुराना है, लेकिन ऑक्शन इस रिश्तों की डोर कमज़ोर नहीं बल्कि टूटी हुई दिखाई दी। रैना आईपीएल में किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे और आंकड़े भी सब कुछ यही बयां करती है। सुरेश रैना आईपीएल के 205 मैच खेले हैं, जिसमें 5528 रन बनाए हैं और इस दौरान इसके बल्ले से 1 शतक और 39 अर्धशतक निकले हैं, जबकि गेंदबाजी करते हुए सुरेश रैना ने 25 विकेट भी झटके हैं। बता दें कि ऑक्शन से पहले रैना को चेन्नई ने रिलीज कर दिया था। उम्मीद थी कि येलो आर्मी रैना को फिर से खरीद लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरें तो यहां तक थे कि गुजरात की टीम्स अपने साथ मिस्टर आईपीएल को अपने साथ जोड़ने वाली थी, लेकिन सारी खबरें गलत साबित हुई। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल शुरू होने से पहले कोई ना कोई टीम मिल जाए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।